जो मिलते हैं ना, जब हुआ था कि अरे रोहित भाई वो सांप वाप रियल है क्या? अरे मैं बोला रियल है भाई, तो बहुत लोगों को लगता है ना कि हम और वो लोग सब रियल करते हैं क्या जो जाते हैं? हाँ भाई टेलीविजन है, रियल ही होता है। रियल सब तो बहुत लोगों को सांप लगता है से यार निकली, डुप्लीकेट ने कर लिया है या सांप डमी है। खतरों के खिलाड़ी इतना रियल, और ऑब्वियसली सर के सामने तो अनरियल। अगर आपने बोला है रियल तो फिर रियल ही करने का, फिर कुछ नहीं होने यस। देते। और जो मना करता है उसको इतनी डांट पड़ती है। और मुझे तब भी, मैं और हर्ष हमेशा सर होटल में आकर डिस्कस करते थे कि आप ना सबका बोलते हो कि ये जो टीम ने किया है इतने लोगों का एफर्ट लगा और आप लोग स्टंट से मना कर रहे हो। आज वो चीज समझ आती है कि और बोलते और वो भी इजी शो नहीं है, मतलब आई थिंक अगर टेलीविजन का सबसे डिफिकल्ट शो है वो खतरों के खिलाड़ी। हम 18 घंटे हम काम करते थे, हर दिन शहर से दूर जाना, लोकेशन 18 आवर से दूर, और फिर मौसम का चेंज होना, ठंडी हो गई, रात में पानी में जा रहे हैं, सुबह ये कर रहे हैं, 18 आवर हम 50 दिन 18 घंटे 17 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती। यस, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, हमारे लिए भी डिफिकल्ट, हमारी टीम के लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। कभी वही सोचते कि जो बिहाइंड दिस टीम वाली है वो तो पैकअप के पहले आएगी और पैकअप के बाद जाएगी, तो मतलब सच में मैंने, मतलब सर के साथ जब मैं होती हूँ मैं इतना भगवान का नाम लेती हूँ, क्योंकि स्टंट ऐसा लगता है ना कि कबर खुद रही है, तो मेरे को ऐसे वाले स्टंटों में ना, तुम्हें भी तो चोट लगी थी मेरे को डाक किसमें, हाँ मेरा सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कलर्स, आज आपकी वजह से मेरा लिगामेंट टेयर, लिगामेंट कुत्ता जब, हाँ मतलब आप जो लोग हमें पूछते हैं कि सर नकली था, वो नकली कुछ भी नहीं है, सब असली होता है ना। मेरा भी पैर हुआ था, बहुत सारे लोग, अब मैं भी हीरो लोगों की गिनती में आ गई, सर आप मेरा भी बोला करो, जैसे आपने अच्छे बच्चे स्टंट में, और वो भी कुत्ते वाले कुत्ते को भी लगी भी चोट। सर आपका फेवरेट गोवा है ना, मैं बताता हूँ किस्सा, गोलमाल बना रहे वो जो बुजुर्ग अंधे का कैरेक्टर, मैंने बोला ये तो परेश भाई करेंगे, परेश भाई को बोला, नीरज भाई ने बात की, परेश भाई ने बोला हाँ बहुत अच्छा कैरेक्टर मैं करता हूँ, बट मैं तो जा रहा हूँ गोवा, और मैं गोवा में हूँ, मैं जो ये 2-2 3-3 दिन डेट दे सकता हूँ बीच बीच में, वहाँ सब मैं गोवा था। फिर हमने घर ढूंढना शुरू किया, 2 घर थे, एक रिमी सेन का घर, एक बुजुर्ग लोगों का घर, तो 2 घर ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहा, फिर हम गए ऑल द वे साउथ गोवा इंटरकॉन्टिनेंटल, वहाँ पे ये 2 बंगले मिले जो होटल के अंदर ही थे, होटल की प्रॉपर्टी थी, वो फाइनल हुआ। एक शाहिद की फिल्म थी जिसमें शाहिद भी गूंगा बनने की एक्टिंग करता है, चुप चुप के ये उसकी माँ शूटिंग कर रही थी, तो बोले जब जब मेरा गैप होगा मैं आऊँगा तेरी शूटिंग करूँगा, मैं लेकिन ये आप ही करोगे, आपके बिना मैं ये करूँगा नहीं, तो बोले मैं गोवा में हूँ लेकिन, तो हम सब गोवा गए, फिर वो गोवा लग फैक्टर बन गया। फिर सिंगम भी वहाँ पे शूट हुई है ना सर, सारी फिल्में, एक फिल्म मेरी नहीं चली सर्कस, वो मैंने गोवा में शूट नहीं की सर ये सही बात है, गोवा पे नहीं ढके सकता, फिल्म में हमने कुछ गड़बड़ की होगी हमारी गलती की वजह से हुआ, गोवा लकी है ना, मैंने सारी फिल्में की, सारी, एक बोल बच्चे नहीं हुए, वो राजस्थान की स्क्रिप्ट थी, उसके अलावा सब पिक्चर गोवा में, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न, गोलमाल 3, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट का जो घर है वो गोलमाल का ही घर है। अच्छा वही घर, वही वही एरिया है, पेंट वेंट चेंज वही जगह है वो घर का वास्तु बहुत तगड़ा है, सिंगम का जो क्लाइमैक्स है पूरे घेर लेते हैं सारे, चीटिंग किया वाला, हाँ वो ऑल द बेस्ट का घर है, वही घर है, सेम घर सेम वास्तु, वो घर ढूंढते वास्तु उधर बनाने में, सिंगम का क्लाइमेक्स आप देख लो ना, सिंगम हमने रिलायंस ने बनाई थी वहाँ पे, फिर हमको भी वो स्क्रिप्ट के बना, फिर बोला ये हिंदी के लिए चेंज कर, सोनाली कुलकर्णी जी का जो कैरेक्टर था वो हमने चेंज किया, प्रकाश राज का कैरेक्टर चेंज किया, प्रकाश राज को नरेशन के लिए बुलाया तो वो बोले यार मैंने ऑलरेडी किया मैं क्या करूँगा, जब स्क्रिप्ट सुनी तो बोले यार ये तो अलग कर दिया, मैं करता हूँ। फिर एक्शन पिक्चर, अभी हाईलाइट है, ऑडियंस रियलाइज नहीं करती, एक्शन पिक्चर हमने, मैंने और यूनुस रजावल जी जो मेरे राइटर हैं, हमने बैठ के बहुत सारे क्लाइमेक्स लिखे, 100 जी पे आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ऐसा फील ही नहीं हो रहा है, पूरा क्लाइमेक्स हमने एक दिन में शूट किया, डायलॉग्स है, कभी सिंगम देखना, और वो फेमस है, उसके भी मीम बनते हैं, चीटिंग करता है कोई, चीटिंग करता है कोई, उसके भी मीम बनते हैं, वो एक एक दिन में सुबह से लेकर रात के 4 महीने में फिल्म रिलीज करना था, सुबह हमने 7 बजे शुरू किया, रात के 2 बजे खत्म किया वो क्लाइमेक्स, उसका टॉकी क्लाइमेक्स है, किसी को याद नहीं रहता है, फिल्म एक्शन है, फिर एंड में वो भागता है खाली, एक सूरज सुबह का उठता है, आप दीवार देखोगे, दीवार फिल्म, तो वो एक्शन फिल्म, मेरे डैड ने एक्शन किया है उस फिल्म का, एक गोडाउन की फाइट है और एक क्लाइमेक्स में दोनों भाई गाड़ी में जा रहे हैं, फिर वो गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है, पिक्चर एक्शन है, फिल्म एक्शन नहीं है, वो कैरेक्टर में जब वो होता है ना आग, तो ऐसा रहता है कि एक्शन फिल्म, वो सिंगम का वो सीन जो पुलिस वालों का,
माइंड ब्लोइंग है, बात 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 बात। हमारी गोलमाल 3 हुई, हम बोल बच्चन बना रहे थे उसके, और फिर शाहरुख सर के साथ चेन्नई एक्सप्रेस। अब मेरे को हमेशा ऐसा कि हमारे यार इजी लग रहा था थोड़ा, मैंने ऑडियंस को चीट तो नहीं कर रहे हम लोग कि कॉमेडी बनाते चल जाती, कॉमेडी बनाते। मैंने अजय सर को एक दिन बोला कि एक्शन फिल्म साथ में करेंगे, हाँ तू बता कब करना है क्या करना है, और बोल बच्चन की सिटिंग में मैं जा रहा हूँ, सिटिंग कैंसिल हो गई, वन ऑफ द राइटर्स की बेटी की तबीयत खराब थी, ये DVD पड़ी थी रिलायंस आए थे मेरे पास, मैंने लगाई सिंगम, मैंने ये तो कमाल पिक्चर है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो बना सकते हैं। मैंने अजय सर को सुनाई, बोला बहुत अच्छा है, कभी करेगा, मैंने अभी करते हैं, आपका 4 महीने का जो गैप है वाला तू पागल हो गया है, मैंने रिलायंस को फोन किया 4 महीने में बना के रिलीज कर देंगे, मतलब पागल हो गए कैसे बनती है फिल्म, चाहे मैंने हम लोग कर लेंगे आप फिक्र मत करो। हमने रीराइट किया सोनाली कुलकर्णी का ट्रैक, प्रकाश राज का ट्रैक, 4 महीने सारा कुछ चेंज किया, 4 मार्च को फिल्म शुरू हुई, 22 जुलाई को फिल्म रिलीज कहाँ पे शूट हुई सर, गोवा और बॉम्बे, एक वाई में ऑर्डर, अजय सर का जो गाना है ना वो बड़ा हिट हो गया गाना, सिंगम का टाइटल ट्रैक पानी में से जो नहीं वो वाई है, पंचगनी वाई, वहाँ पे पंचगनी वाई में, हाँ वो पंचगनी, वो रियल रात के 3 बजे ऐसा ठंडी में पानी में से बाहर आ रहा, और म्यूजिक देखा ढंडा, आज भी वो बजता है सर, क्योंकि वो चलती है बहुत, उसकी लाइफ बहुत है, अगर आप देखो ना आप कोई भी शो कर लो, पुलिस आ रही है, किसी ने नई गाड़ी खरीदी, सिंगम और सूर्यवंशी, सिम्बा का ही ट्रैक चलेगा, अगर एंट्री चाहिए, अगर पुलिस का कॉन्वॉय जा रहा है तो सिम्बा या सूर्यवंशी का ट्रैक चलता है, अगर आप बच्चों के रील्स भी देख लें, वो किसी ने नई गाड़ी खरीदी, कोई नया स्कॉर्पियो खरीदा है, कोई गाड़ी, तो ट्रैक वही चलता है, तो वो लाइफ बहुत है उसकी। आप मैं रियलिटी शोज भी देखते रहता कि कोई जीत गया है तो उसमें गोलमाल का वो ट्रैक चलता है, तो वो बना तो लाइफ टाइम चलते रहता है। पर आप गाने में बहुत बैठते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, और अब तो ज्यादा बिकॉज रील्स कटते हैं उस पे बच्चों के, तो ये जो सिंगम का है ना 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 ना, ये आपने पूरा सुना था ना, ये वो क्रेडिट अजय अतुल को जाता है, उनका म्यूजिक है। अच्छा अजय अतुल ने सिंगम वन, अजय अतुल ने किया वो टाइटल ट्रैक, अजय अतुल ने किया, स्वानंद किरकिरे ने लिखा था वो, ओ ये तो पता ही नहीं, हाँ अजय अतुल का म्यूजिक, और वो अजय अतुल सच में ही बड़े, मतलब नटरंग के अगर हम गाने सुने तो ऐसा लगता है कि क्या बना दिया है, अमेजिंग सर। एक लास्ट क्वेश्चन, एक राइटर मैं अपने लिए ही पूछ रहा हूँ इनफैक्ट, कि सर मुझे फिल्म बनानी है क्या करना चाहिए, ये जो दौर है सबसे डिफिकल्ट दौर है फिल्म मेकर के लिए और राइटर के लिए, क्योंकि ऑडियंस की चॉइस, आप अगर रियलिटी आप देखें, जो ऑडियंस शायद नहीं समझ पाए, बट हम तो हर चीज़ को ट्रैक करते हैं, फिल्म अभी मिडिल ऑर्डर नहीं हो रहा है कि आप बहुत रेयरली सुनोगे ये फिल्म है 100 करोड़ की, अब आप सुनोगे ये फिल्म है 500 करोड़ की, 600 करोड़ की, या तो ये फिल्म की बात ही नहीं हो रही, ऑडियंस का टेस्ट थोड़ा सा इस वक्त बदला हुआ है, या तो एकदम वो ग्रैंड फिल्में देखना चाहती हैं, पिछले साल हम 2023 की बात कर रहे थे, जनवरी से अब तक आपको कितनी फिल्में याद हैं, उंगलियों पे बताओ, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। इस साल शाहरुख खान की 3 याद है, पठान, पठान, जवान, डंकी, डंकी, तलार, टाइगर 3 और गदर 2, एनिमल, और रॉकी रानी की प्रेम कहानी, रॉकी रानी है करण की, मतलब देखो गिन के 4-5-6 ही आई होगी, चली भी होगी, बट जो छाप छोड़ के गई है, तो इतना स्कैरी टाइम चल रहा है, कितनी आई होगी, बहुत सारी है ना, और हम साउथ का भी बोलते हैं, उन लोग बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। इस साल बताओ कौन सी फिल्म, लियो एक विजय की, सलार अभी आई, और हम 265 से 240 फिल्में बनाते थे हर साल की, अभी भी बना रहे हैं, अब हमारा रेशो ये है। सर आपको बीच बीच में कभी घबराहट होती है ऐसे कि क्या हो रहा है, ये वक्त है उसके साथ चलना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड करते रहना, और अब तो बहुत ऑब्जर्वेशन ना सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बच्चे को देखो ना, बच्चे एक्शन की रील क्या कमाल बना रहे हैं, बाकी सब छोड़ दो, आजकल तो मैं देखते रहता हूँ रियल एस्टेट एजेंट्स है, वो कितना अच्छा शूट कर रहे हैं, और आप आ जाओ दिला देंगे, हाँ मतलब और कितने सारे ना जो हर प्रोफेशन वाला आजकल वही मीडियम यूज कर रहा है, क्योंकि वो मीडियम चल रहा है, तो उनको भी करेक्ट एंगल और हर चीज पता है, तो आपको उनको कैटर करना है, आपको छोटे बच्चे में देखते रहता हूँ एक्शन की रील, गांव खेड़ों वाले बनाते हैं, जीप से उतरना, साइकिल व्हीली करना, समरसॉल्ट मारना, करेक्ट म्यूजिक के साथ, करेक्ट एडिट के साथ, करेक्ट एंगल के साथ, तो अब आप उनको कैटर कर रहे हो, आप ये भी तो सोचो, यू कैन नॉट गो रॉन्ग ऑन एनीथिंग, स्केल आपका कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिलहाल माहौल वो है, थिएटर में जाने के लिए तो 200-250 करोड़ रुपए की पिक्चर ही चलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये है कि इस वक्त थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि लोग ये हम OTT पे देख सकते हैं ना यार, वो एक फील आना है, बड़ा स्केल है, बिग स्केल है तो, या फिर लोगों ने बहुत बात की, जैसे तुमने ये फिल्म देखी।